पावन चरणों में मैं नमन करता हूँ, आचार्य शांति सागर गुरुदेव के चरणों में मैं नमन करता हूँ, आचार्य कुंद सागर गुरुदेव के चरणों में मैं नमन करता हूँ, कवि हृदय महाकवि आर्ष मार्ग संरक्षक ज्ञान दिवाकर व्याख्यान वाचस्पति प्रज्ञा योगी आचार्य गुप्ति नंदी गुरुदेव के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत करता हूँ। विमल गुप्त मुनि श्री विमल गुप्त जी मुनि श्री विनय गुप्त जी के पावन चरणों में नमोस्तु करता हूँ। मैं आदिका आस्था श्री माता जी के पावन चरणों में वंदामी करता हूँ। शुल्लक श्री के चरणों में इच्छामी, शुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी करता हूँ। और कल जिनको उपवास था उनका साता है यह पूछकर उनसे अभिवादन करता हूँ। और आप सभी महानुभावों का इस धर्म सभा में आज मैं स्वागत करता हूँ। तीर्थंकर कैसे बने, तीर्थंकर कैसे बने, यह एक मार्गदर्शक, यह संपूर्ण जैन धर्म पर आधारित एक सूत्र गुरुदेव अपनी वाणी से रोज अपने सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं। हम अगर उसमें से थोड़ा बहुत भी ग्रहण कर अपने जीवन में अवलंबित करते हैं तो मैं समझता हूं कि हम लोग तीर्थंकर की राह पर चलते चलते अपना जीवन सुधार सकते हैं। इस कोरोना महामारी में जैनम चैनल द्वारा भारतवर्ष दिगंबर जैन महासभा ने यह एक बहुत सुंदर सा उपक्रम हमारे सामने में प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से हम लोग घर घर तक के पहुंच रहे हैं और घर घर वाले हम तक के पहुंच रहे हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ में आज की इस प्रवचन श्रृंखला का हम लोग चलते दीप प्रज्वलन के लिए। पारस भैया रजनी जी जैन करके हैं, उनका डिवाइस है दिल्ली से जी। हमारे गुरुदेव के धर्मानुरागी समाजसेवी दानवीर श्रीमान श्री अरुण जी जैन एवं उनकी धर्मपत्नी सौ श्रीमती रजनी जी जैन, श्री पारस जी जैन, सीनू जी जैन, उनके और एक पुत्र श्री गौरव जी जैन, स्वाति जी जैन, उनकी बिटिया दीपशिखा जी जैन और उनकी लड़की सृष्टि जैन शंकर नगर दिल्ली से। आप गुरुदेव के परम भक्त हैं और आज आपने श्रावक श्रेष्ठ पद पाकर आज के इस महान दिन के लिए आप दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे। रजनी जी आप दीप प्रज्वलन शुरू करिए, यहाँ पर हम लोग आपको लाइव देख रहे हैं, दीप प्रज्वलन के लिए आप चले। परस भैया पहले जो आया था वही थे। हेलो जी, उनका वीडियो ऑफ हो गया है, दो मिनट चालू कर। अच्छा अच्छा, वो फिर से शुरू कर रहे हैं। तब तक के मैं आपको बता दूं कि 23 तारीख से, मतलब 22 तारीख से, 22 तारीख को रोटी का व्रत रहेगा, संडे को लक्ष्मी प्राप्ति विधान 21 तारीख को रहेगा, या शुक्रवार को लक्ष्मी प्राप्ति विधान है। लक्ष्मी प्राप्ति विधान का एक भव्य आयोजन धर्म तीर्थ पर किया जा रहा है। इस आयोजन के इसमें सौधर्म इंद्र की जो सौधर्म इंद्र जी का पुण्यार्जन लेना था वो सौभाग्यशाली उन्होंने अपना नाम दे दिया है। इसके पश्चात वहां पर एक सुंदर सा अभिषेक होने वाला है लक्ष्मी प्राप्ति विधान के उपलक्ष्य में। उस रोड टीच के दिन पर संपूर्ण अभिषेक होगा। उस अभिषेक में आप किसी को अपना नाम देने का है उसका नाम अपन जल्द से जल्द देवे। उसके पश्चात वहां पर एक विधान संपन्न होगा। उस विधान में 74 अर्घ होते हैं, हर एक अर्घ की राशि सिर्फ 501 रुपए है। धर्म तीर्थ पर इतने सभी साधु हैं, उनकी रोज की दिनचर्या वहां पर चल रही है, जिसमें आहारचर्या एक महत्वपूर्ण अंग है। उस आहारचर्या के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, जो भी महानुभाव अपनी ओर से इस आहारचर्या में योगदान देना चाहता है वो धर्म तीर्थ के अकाउंट में अपनी राशि जमा कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति राशि जमा करते हैं उनसे एक निवेदन है कि वो अपना व्हाट्सएप पर जो नंबर दिए है उनको इन्फॉर्म करे ताकि आपके नाम से उसकी रसीद बने। इन भावनाओं के साथ में अगर परस भैया रेडी है उधर, रजनी जी हम चलते हैं, श्री अरुण जी जैन, रजनी जी जैन दीप प्रज्वलन के लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपसे निवेदन है कि दीप प्रज्वलन शुरू करें। जी संपूर्ण परिवार अपने संपूर्ण लड़के लड़की और पोतियों के साथ में, एक छोटा सा बालक के साथ में दीप प्रज्वलन शुरू कर रहे हैं। लीजिए पारस भैया गाना लीजिए, एक मिनट।
भैया थोड़ा सा और क्लोजअप लीजिएगा आपका। थोड़ा नजदीक लीजिएगा, क्लोजअप लीजिएगा थोड़ा सा तो ज्यादा बेटर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन श्रावक श्रेष्ठ ने आज की इस प्रवचन श्रृंखला का, इस श्रावक श्रेष्ठ ने आज के इस प्रवचन श्रृंखला का दीप प्रज्वलन किया है, आपका बहुत बहुत आभार। मैं चलता हूँ आज की इस प्रवचन श्रृंखला के लिए सीधा धर्मतीर्थ, वहां पर आचार्य भगवान साक्षात विराजित है, ज्ञानविद ज्ञानमूर्ति व्याख्यान वाचस्पति महाकवि आज हमको लेकर चले गए। हमारे जीवन में हम बोलते हैं कि एक मित्र होना चाहिए जिससे मन की बात कह सके, अगर वो आपके जीवन में नहीं है और अगर वही मित्र अगर कला गुण संपन्न और अच्छे दिल का हो तो आपकी दुनिया बदल सकती है। अगर वही मित्र किसी गलत संगत में किसी गलत व्यसन में आपको लेकर जाता है तो आपकी दुनिया बदल सकती है। आज हमको आचार्य श्री इसी राह के सदाबहार मित्र, उतार चढ़ाव और उसका समस्या समाधान, इस विषय पर हम सबको मार्गदर्शन करेंगे, अपने अमृत वचन यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। मैं आचार्य श्री के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए उनसे निवेदन करता हूँ कि हे भगवान, इस धर्म सभा को आप संबोधित करें और हमको पुण्यार्जित करें। इसी भावनाओं के साथ में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आप सभी हमारे साथ मिलकर के सर्व कार्य की सिद्धि के लिए अनंत आनंद सिद्धों को आह्वान करेंगे। जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वंचायाणं, नमो दोये सपसाणं। सरस्वती नमस्तुभ्यं, वरदे कामरूपिणी, विद्यारंभं करिष्यामि, सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय मनुष्य अनंतान सिद्ध प्रविष्ट भगवान की जय, प्रसाद शंकर भगवान की जय, भगवान की जय, त्रिकाचुस्तंभ भगवान की जय, द्वादशांगिरवाणी माता की जय, समस्त गण प्रविष्ट भगवान की जय, समस्त पूर्वाचार्यों की जय, तीन कमराज की जय, गुरु आचार्य सागर जी गुरुदेव की जय, गुरु आचार्य जी गुरुदेव की जय, अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। आचार्य संघ की जय। धर्म स्नेही महान भवो, आज का हमारा विषय है सदाबहार मित्र और सब टाइटल है हमारे पास में उतार चढ़ाव समस्या समाधान, और 16 कारण में आज का दिन है प्रवचन भक्ति भावना का दिन है। प्रवचन भक्ति अर्थात शास्त्र की भक्ति, जिनवाणी की भक्ति, दिग्निग्रह की भक्ति, और अनेक साहित्यकार कहते हैं कि अनेक अनेक मित्र समय पर चेंज हो जाते हैं, फूल भी आते हैं, मित्र की तरह मुस्कुराते हैं, खिलखिलाते हैं, महक देकर जाते हैं, पर कुछ समय बाद वे भी सूख जाते हैं। पर जिनवाणी के पुष्प, जिन ग्रंथ रूपी पुष्प ऐसे पुत्र हैं, पुष्प हैं, ऐसे फूल हैं जो कभी नहीं मुरझाते हैं, बल्कि उनके अंदर से हमेशा रत्न तरह की महक आती रहती है, सच्चित्र की महक आती रहती है। इसलिए जिनवाणी, जिनेंद्र भगवान की वाणी ही हमारी सच्ची माता है और तीर्थंकर भगवान हमारे सदाबहार मित्र हैं, पंच परमेष्ठी भगवान हमारे सदाबहार मित्र हैं। वे पंच परमेष्ठी हमारे जीवन के हर संकट का निवारण करते हैं। जो इन तीर्थंकरों की आराधना करता है, जिनवाणी की आराधना करता है, जिन धर्म प्रति श्रद्धा रखता है और जैसा जिनवाणी में कहा है उस प्रकार से यदि पालन करता है तो वह व्यक्ति निश्चित रूप में
कभी कंगाल नहीं होता है, कभी दुखी नहीं होता है, कभी संकट में नहीं आता है। और जो धर्म जैसे मित्र को छोड़ देता है, जिन धर्म रूपी मित्र को छोड़ देता है, पंच प्रविष्टि को छोड़ देता है, तीर्थंकर भगवान को छोड़ देता है, और जो अपने धन के मद में, अपनी संपत्ति के मद में यदि जिन धर्म का अविनय करता है, व्रतों का त्याग का अपमान करता है, ऐसा व्यक्ति कंगाल प्रतिहाल हो जाता है। आज का हमारा विषय है कि जीवन में उतार क्यों आता है, अंतराय कर्म का उदय किस कारण से आता है, क्यों गरीबी आती है, विपन्नता क्यों आती है, घर की संपत्ति, आई हुई संपत्ति खत्म कैसे हो जाती है, इस विषय को हमें समझना है। तो एक दृष्टांत के माध्यम से अपनी बात में कर रहा हूं। उज्जैन शहर में एक सेठ जी थे जिनका नाम था समुद्रदत्त। उनकी पत्नी का नाम था समुद्रदत्ता। समुद्रदत्त, समुद्रदत्ता दोनों पति पत्नी थे और उनके सात बेटे थे और उनकी पत्नी इस तरह सात बेटे सात बहू और सेठ सेठानी, इस तरह 16 प्राणी एक घर में रहते थे। उज्जैन शहर के नगर सेठ थे, संपदा की कोई कमी नहीं थी। उनकी हवेली पर 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं के नेतृत्व के रूप में उनकी हवेली की छत पर 56 ध्वजाएं फहराती थी, 56 झंडे, और एक ध्वज की कीमत, एक ध्वज का संकेत कि यह यदि एक ध्वज लगा है तो 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी है। उसके यहाँ 56 ध्वजाएं लगी थी, मतलब वो 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का स्वामी था। घर में यहां वहां हीरे मोती जवाहरात भरे पड़े रहते थे। जैसे आपके घरों में अनाज होता है, इस प्रकार से उसके यहाँ पर रत्नों का भंडार था। हीरे मोती रत्न जवाहरात जहां तक भरे हुए थे, खूब संपन्नताएं थी। पूरे उज्जैन शहर में नहीं, पूरे देश में, और देश में नहीं विदेश में उसका व्यापार था। जलयान के माध्यम से, शिप के माध्यम से, जहाज के माध्यम से, वायुयान के माध्यम से, और मालवाहक के हिसाब से जैसा बने वैसे प्रकार से हर तरह उसका बिजनेस था। बहुत अच्छी संपदाएं थी, सुख था। एक दिन घर की सेठानी जंगल में गई, उद्यान में गई, तो उद्यान में देखती है कि एक पेड़ के नीचे, एक वृक्ष के नीचे एक दिगंबर मुनि बैठे हुए हैं। वे धनोपदेश दे रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, और उनके साथ में प्रवचन सुनने के लिए हजारों श्रावक श्राविकाएं उनके चारों ओर बैठे हुए हैं। कोई मंच नहीं था, कोई माइक नहीं था, कोई संचालक नहीं था, कोई व्यवस्था, कोई बैनर नहीं था। मुनिराज जंगल में थे, उद्यान में थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एक चबूतरे पर बैठे थे, और उनके पास आसपास चारों ओर से हजारों नर नारी, जिन्हें पता चला कि नगर में साधु आए हैं, वे सबके साथ दर्शन करने चले गए। सेठानी भी दर्शन करने गई तो देखती है कि मुनिराज त्याग धर्म का उपदेश दे रहे हैं कि जीवन में जिसके त्याग होता है, उसी के जीवन का कल्याण होता है। हर एक व्यक्ति को अपनी शक्ति के अनुसार त्याग करना चाहिए। कीजिए शक्ति प्रमाण, शक्ति के अनुसार त्याग करो, नियम लो, अपने जीवन को नियमित बनाओ, क्योंकि नियम जहां होते हैं, हर एक चीज का नियम होता है। जैसे एरोप्लेन उड़ेगा तो वह आकाश में उड़ेगा, आकाश में उड़ने का नियम है। बहुत ज्यादा नीचे चलेगा, जो उसका रनवे आता है उतना ही वो चलता है, उससे अधिक चला दिया जाए तो टायर फट जाएंगे और एक्सीडेंट हो सकता है। ट्रेन पटरी पर ही चलती है, उसका नियम है। शिप जहाज पानी में ही चलता, उसका नियम है। और इंसान पैदल ही चलता है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, मछली जल में ही रहती है, जल से बाहर निकालो मर जाती है, सबके अपने नियम होते हैं। तो मुनिराज ने कहा कि छोटा से छोटा नियम भी हमारा कल्याण कर देता है। तो जितने श्रावक थे सब ने मुनिराज के पास व्रत नियम लिया, त्याग लिया। उनके नियम लेने के पश्चात सब जब चले गए तो सेठानी गई, और सेठानी ने मुनिराज के पास हाथ जोड़कर निवेदन किया है, मुनिवर मैं भी आज पहली बार आपके पास दर्शन करने आई हूं, और जो त्याग की महिमा आपने बताई है कि जो त्याग करता है, नियम लेता है,
उसी का बेड़ा पार होता है, वो नरक में नहीं जाता है। मैं नरक में जाना नहीं चाहती हूँ, इस कारण से मैं आपसे निवेदन करती हूँ मुझे भी नियम दीजिए। पर निवेदन है आपसे कि मैं भूखी नहीं रह सकती, इसलिए एक छोटा सा नियम दीजिए, ऐसा कोई व्रत दीजिए जिस व्रत में भी, जो व्रत साल में सिर्फ एक बार ही आता, मैं रोज रोज नहीं कर सकती, और उसमें भी कुछ थोड़ा सा खाने को मिल जाए, ऐसा व्रत दीजिए। मुनिराज ने कहा, हे सेठानी, हे समुद्रदत्ता, जिन धर्म बहुत महान धर्म है, इसमें हर एक के लिए स्थान है। जिसकी शक्ति हो वो वर्षी तप कर एक साल का तप कर ले, एक साल का उपवास कर ले। जिसकी शक्ति ना हो वो एक दिन का एकाशन करके भी, एक अन्न लेकर के भी अपने नियम व्रत का पालन कर सकता है, और वो छोटा सा नियम भी कल्याण कर सकता है। लेकिन शक्ति अनुसार होना, तुम्हारी शक्ति नहीं है कोई बात नहीं, एक छोटा सा व्रत है जिसका नाम है त्रिकाल चौबीसी व्रत, जिसका नाम है त्रिलोक तीज व्रत, जिसका नाम है रोड तीज व्रत, और जिसका नाम है अंतराय कर्म निवारक व्रत। अंतराय कर्म के निवारण का व्रत है, और आज की भाषा में कहूं, आपके लिए समझाने के लिए कहूं, तो वो व्रत है लक्ष्मी प्राप्ति व्रत। मैं आपको आकांक्षाओं की ओर लेकर नहीं जा रहा हूं, ध्यान रखना, कि आप संपत्ति कमाओ लक्ष्मी कमाओ, इसके लिए लेकर नहीं जा रहा हूं, लेकिन आप बाल बुद्धि के हैं। जैसे एक बच्चा जब शुरुआत में दो दिन स्कूल जाता है एडमिशन होने के पश्चात, बाद में वो बच्चा स्कूल जाने से अनमनाता है, अचकचाता है, माता पिता को मना करता है, रूठता है, मैं नहीं जाऊंगा, जिद करता है, तब माता पिता कहते हैं, बेटा स्कूल जाएगा तेरे को वहां मिठाई मिलेगी और तेरे को खिलौने मिलेंगे, और आजकल हमारे यहाँ पर किड्स प्ले बनाए जाते हैं, सिर्फ बच्चों को जाकर वहां पर खेलना है, खेलते रहते हैं दो दो तीन तीन चार चार घंटे, दो घंटे खेलते हैं, फिर आगे चार घंटा खेलते हैं, वहां उन्हें खाने को मिलता है, इस तरह उनको स्कूल का अभ्यास कराया जाता है, स्कूल में आने की रुचि बनाई जाती है। इसी प्रकार से आपकी धर्म के प्रति श्रद्धा हो, आस्था हो, विश्वास हो, धर्म के प्रति आपकी लगन लगे और आप जान पाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं लक्ष्मी प्राप्ति व्रत। क्यों? क्योंकि यदि आपने एक बार भी श्रद्धा से ये व्रत कर लिया, और यदि आपके जो मन के संकल्प हैं, अंतराय का निवारण होता है, गरीबी दूर होती है, तो आपकी अटूट दृढ़ श्रद्धा बन जाती है, और हो सकता है उस श्रद्धा से आपकी मिथ्यात्व का नाश होकर के आपको समस्त की प्राप्ति हो जाए। मेरा यही उद्देश्य है, हर एक जीव मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हो, सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, देव शास्त्र गुरु पर अटूट श्रद्धा रखे। इसलिए जैसा ही बने मैं आपको धर्म के प्रति प्रवृत्त करना चाहता हूं, लेकिन फोर्स नहीं करता। जैन धर्म मार मार के धर्मात्मा बनाने का धर्म नहीं है, जैन धर्म तो आत्मोत्साह का धर्म है, आत्मश्रद्धा का धर्म है। इसकी लगन हो पूछ ले, जिसको चाह है उसको राह मिलती है। सेठानी ने व्रत दिया कि ठीक है, मैं आज से त्रिकाल चौबीसी व्रत लेती हूँ, रोड तीज व्रत लेती हूँ, और सेठानी ने व्रत ले लिया। घर पर आई, अपने बच्चों से कहा कि मैं आज व्रत लेकर आई हूं। सेठ जी बैठे थे, सातों बच्चे बैठे थे, बहुएं बैठी थी, एक ने पूछ लिया, माँ जी आप कौन सा व्रत लेके आई है? बोले मैं आज कठिन व्रत लेके नहीं आई, बहुत सरल व्रत है, साल में एक बार ही आता है, भादो शुक्ला तीज को आता है, और उसमें भी पूरा उपवास नहीं करना है, उपवास हो तो करो, नहीं हो तो सिर्फ रोट खाकर भोजन करके भी अपन व्रत कर सकते हैं। जहां रोट का नाम आया, तुरंत बच्चों ने हंसी उड़ाई, सातों बच्चों ने कहा, अरे माँ जी तू भी कैसी पागल है, अरे ये रोट तीज व्रत ये किनके लिए है? जिनके घर में कुछ खाने को नहीं होता है, जो कंगले होते हैं, नंगे भूखे होते हैं, गरीब होते हैं, ऐसे लोगों के लिए व्रत है। हम बहुएं तुरंत नाक सिकोड़ती हैं कि जहां हमारे यहां पर एक दिन पहले 24 घंटे पहले जिन चावलों को कमल के फूल में रखा जाता है बंद होने के पहले, और रात भर जो कमल के फूल में जल के साथ में
कमर की महक से महक जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। ऐसे हल्के चावल तो हमें पचते नहीं हैं, ये रोट कौन खाएगा, कौन करेगा इस व्रत को, हमसे तो नहीं होगा। जब बच्चों ने हंसी उड़ाई, सेठ ने हंसी उड़ाई, बहुओं ने हंसी उड़ाई, तो उनको देख करके सेठ जी ने अपना व्रत छोड़, सेठानी ने व्रत छोड़ दिया, भंग कर दिया। और जैसे व्रत को छोड़ा वैसे ही अंतराय कर्म का उदय आना शुरू हो गया। अचानक सूचना आई कि सेठ जी आपके जितने जहाज विदेश में गए थे वे सब के सब लापता हो गए हैं, कहाँ है पता नहीं है, कोई सूचना उनकी नहीं आ रही है। इतने दूसरा एक नौकर आया, कहा सेठ जी गोदाम में आग लग गई है। एक ने कहा कि सारा सामान सड़ गया है। घर पे आए तो देखते हैं कि जिन बोरियों में रत्न भरे थे कि चलो इनसे काम चला लेंगे, बोरी खुली देखा कि सबके सब कोयला बन गए। चलो भाई मोती हमारे पास रखे, बहुत सारे बसरा मोती है, एकदम बेस्ट क्वालिटी का मोती है, इससे काम चला लेंगे। मोती के लेने गए तो मोती सब पानी बह गया, दिवाला निकल गया, फटेहाल हो गए। जिनके यहां पर 56 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी, जिनके यहां पर सैकड़ों हजार लोग रोज आकर के भोजन करते थे, आज जब उन्होंने रोटी का अपमान किया, गरीबी का अपमान किया, और इसके साथ साथ में उन्होंने प्रवचन अर्थात जिन शास्त्र का अपमान किया, जिनवाणी के व्रत का अभिनय किया, तीर्थंकर भगवान का अनादर किया, क्योंकि ये त्रिकाल चौबीसी का व्रत है, तीन काल की भरत क्षेत्र की चौबीसी, 72 तीर्थंकरों का व्रत है, उन तीर्थंकरों का अपमान इसके माध्यम से हुआ, जिनवाणी का अभिनय हुआ, गुरु का अभिनय किया, धर्म का अभिनय किया, इन सब पाप के कारण से कंगाल फटेहाल हो गए। महानुभावों इसलिए कहा है जो हंस रहा है उसे एक दिन रोना पड़ेगा, जो हंस रहा है उसे एक दिन रोना पड़ेगा, प्रायश्चित की आंच में शुद्ध होना पड़ेगा। सुनिए आप ध्यान से, जो हंस रहा है धर्म पे उसे एक दिन रोना पड़ेगा, प्रायश्चित की आंच में शुद्ध होना पड़ेगा। जीवन में कभी भी धर्म की निंदा नहीं करना बंधु, जीवन में कभी भी धर्म की व्रत की निंदा नहीं करना बंधुओं, वरना अहंकारी को दर्दर का भिखारी बनना पड़ेगा, अहंकारी को दर्दर का भिखारी बनना पड़ेगा। सेठ जी दर्दर के भिखारी हो गए, घर में दरार पड़ने लग गई, दीवारों में दीमक लगने लग गई, सिलन आने लग गई, फफूड़े आने लग गए, और जब कुछ नहीं बचा तब रात को चुपचाप सेठ सेठानी अपने बहू और बेटों के साथ फटेहाल कंगाल उज्जैन शहर को छोड़कर के चल पड़े कि अब इस संकट में देखते हैं कौन साथी होता है। इसलिए महानुभावों कहा जाता है तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, तूफान ज्यादा हो तो कश्तियां डूब जाती हैं, और अहम ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं, अहम ज्यादा हो तो हस्तियां डूब जाती हैं। जो उज्जैन की हस्ती था, उज्जैन का नगर सेठ था, जिसका नाम था, जिसका रुतबा चलता था, आज कंगाल फटेहाल चुपचाप रात को मुंह छिपा करके वहां से चले गए। इसलिए कभी भी जब व्रत लेना हो तो व्रत लेकर कभी भी पहले सोच समझ करके व्रत लो, और लिया है तो दृढ़ता से पालन करो, कई व्रत को तोड़ना नहीं छोड़ना नहीं, ये ध्यान रखो। महानुभावों कहा है जो जन नर अपने मुख से, जो नर अपने मुख से वाणी बोल पुनः हट जाते हैं, जो नर अपने मुख से वाणी बोल पुनः हट जाते हैं, नर्तन पाकर पुरुष से भी वो, नर्तन पाकर पशु से भी वो जीवन नीच बिताते हैं, जीवन नीच बिताते हैं। पशु से बदतर हालत हो गई, खाना नहीं है, पानी नहीं है, कपड़े फटे हाल हैं, और नंगे पैर चले जा रहे हैं। चलते 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 वह उज्जैन से हस्तिनापुर पहुंच गए। हस्तिनापुर में सेठ जी की लाडली बेटी रहती थी, बेटी के ससुराल में गए और
अंदर नहीं गए, संदेश पहुंचाया कि बेटी आज हमारा दीवार निकल गया है, हम कंगाल हो गए हैं और यह संकट का समय है, तो हम तेरे घर में ससुराल में कुछ दिन रहना चाहते हैं। तुरंत बेटी ने एक पत्र लिखा कि पिताश्री आपकी हालत खराब है और जिसके ससुराल में हालत खराब हो उस बहू के ससुराल में भी उसकी हालत खराब हो जाती है, तो ताने मिलते हैं, अभी तक किसी को पता नहीं है, अभी तक तो मेरी इज्जत है ससुराल के अंदर, यदि आपका पता चल गया तो मेरी दुर्गत हो जाएगी और मेरे पर लांछन आएगा कि ये सब घर का चुरा चुरा करके अपनी माँ बाप को देती है, खिलाती है, उनको देती है, इसलिए मुझसे ये दुख सहा नहीं जाएगा। आपसे निवेदन है कि आप इस समय यहाँ ना आए, ये समय कहीं और काट ले, टल जाएगा, कट जाएगा। लेकिन फिर भी उसने प्रीति के वश अपने पिताश्री के लिए, अपनी माँ के लिए, अपने भाइयों के लिए, 16 प्राणियों के लिए एक थाल भर करके चुपचाप अच्छा खाना, अच्छी मिठाइयां, नमकीन पकवान सब कुछ रख दिया, साथ में उसमें छिपा करके उसने 5 बेशकीमती कोहिनूर हीरा उसके साथ रख दिया। एक एक हीरे से ही ये अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं, संकट को दूर कर सकते हैं, ये सोच करके ढक करके रख दिया। दासियां थाल लेकर पहुंची, पहले पत्र को पढ़ा, पत्र में लिखा था कि ये संकट के समय आप कहीं और रहिए, यहां मत रहिए, वरना मुझे बहुत दुख होगा, मुझ पर लांछन आ जाएगा। तो मन वही हताश हो गया, फिर भी देखा कि भाई चलो कुछ खाने के लिए आया, देखा तो सारा का सारा जो भी दाल थी, सब्जी थी, रोटी थी, सब में कीड़े किले बुला रहे थे, सब सड़ चुका था। मात्र बेटी के ससुराल से उद्यान तक आने में उनके पाप कर्म के उदय से सब कुछ सड़ गया और जो 5 कोहिनूर हीरे रखे थे वो हीरे भी कोयला बन गए। तो कोयले से हीरा मिलता है, कोयला बन गया। महानुभावों, इसलिए कहा जाता है भगवान उसे मिलता है जो भक्त होता है, भगवान उसे मिलता है जो भक्त होता है, और सम्मान उसे मिलता है जिसका यश होता है। दूसरों के सहयोग देने से क्या होता है बंधुओं, दूसरों को सहयोग देने से क्या होता है बंधुओं, धन तो उसे ही मिलता है जिसका भाग्य होता है, धन तो उसे ही मिलता है जिसका भाग्य होता है। नहीं मिल पाया, बेटी ने 5 कोहिनूर हीरे रख दिए कि एक हीरे में इनकी गरीबी दूर हो जाएगी, परंतु वो उनकी किस्मत से कोयला बन गया। इसलिए कभी भी व्रत का अपमान मत करना, जो नियम लेते हो सोच समझ करके लेना। एक नियम यदि आप तोड़ते हैं तो एक नियम को तोड़ने पर 100 शिखरबद्ध मंदिरों के तोड़ने का पाप लगता है। सेठ जी, सेठानी जी, उस थाली को जो जिसमें भोजन था और हीरे रखे थे जो कोयला बन चुके थे, उसको वही उन्होंने जमीन के अंदर गाड़ दिया, चिन्ह लगा दिया संकेत के रूप में, वहां से फटे हाल बेहाल चल पड़े और हस्तिनापुर से चलते 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 वह अपने साले के यहाँ पहुंचे, बसंतपुर पहुंच गए, जहां सेठ जी के साले रामदत्त और साराज रामदत्ता रहती थी, सेठानी के भाई और बहन रहते थे। सेठानी ने कहा कोई बात नहीं, बेटी की परेशानी है इसलिए उसने साथ नहीं दिया, पर अब हम यहाँ अपने भैया के जाएंगे, मेरा भैया तो मुझे बहुत प्यार करता है। लेकिन जैसे ही रामपुर में, बसंतपुर में एंट्री हुई, कि एंट्री होते ही देखा कि भाई की हवेली की ओर आज पूरा नगर जा रहा है, मालूम किया तो पता चला कि वहां जीवन वार हो रहा है, वहां पर रिसेप्शन हो रहा है, खाना पीना हो रहा है। सोचा कि इतने बड़े भाई और इतने लोग वहां पर आए हैं, ऐसे लोगों के बीच यदि हम चले जाएंगे तो बहुत हस्ती होगी, इसलिए चुपचाप जाकर के अपने भाई के महल के पिछवाड़े में जाकर के बैठ गए जहां उद्यान था, और हवेली के पीछे से एक नाली से एक मोरी से चावल का मांड बह करके आ रहा था। सेठन ने देखा कि चावल का मांड आ रहा है, इतना बह रहा है, नाली में जाके बेकार हो रहा है। सोचा कि कम से कम इस मांड से अभी कम से कम पेट भर लें, कितने दिन हो गए हैं, मेरे बच्चों ने, बहुओं ने, मेरे पति ने कुछ भी नहीं खाया है, इनकी थोड़ी व्यवस्था कर देती हूँ। ये सोच करके वह सेठानी, वहीं पर एक मटकी रखी हुई थी, उस मटकी को उसने उस नाली के छित पर लगा दिया जिसमें से मांड आ रहा था, और ये देखते हुए, ये करते हुए उसकी भाभी राम दत्ता ने देख लिया, ऊपर से देखा, अरे ये तो हमारी जीजी है, नंदबाई है,
और कंगाल फटे हाल है और यहाँ आ गए हमको पेरने के लिए, वैसे रहने नहीं दूंगी यहां पर। पाप कर्म का उदय था, इसलिए जो भाई जो भाभी हमेशा अपनी बहन का स्वागत करने को तैयार होते थे, प्रसन्नता से उसको वेलकम करते थे, आज वही बदल गए। इसलिए कहा जाता है जो नहीं देते थे जवाब उनके भी सलाम आने लगे हैं, जो न देते थे जवाब उनके भी सलाम आने लगे हैं, और वक्त बदला तो नीम पर भी आम आने लगे। वक्त बदल गया, सब बदल गए। इसलिए कहा जाता है कि परिस्थितियां जब बदलना मुमकिन ना हो तो मनस्थिति को बदल लीजिए, उसमें अपना कल्याण। सेठानी ने मटका लगा दिया और मटका लगाने के पश्चात उसमें मांड भरता आ रहा था, इतने में अचानक नाली में से जोर का पत्थर आया। सेठानी संभले, उसके लिए पत्थर उसके पहले ही पत्थर एकदम मटकी पर पड़ा, मटकी फूटी, मटकी के फूटते ही जो खोलता हुआ चावल का मांड था वो सब का सब सेठानी के ऊपर पैरों पर गिरा, पैर चल गए। एक्चुअल में अचानक पत्थर नहीं आया था, ये पत्थर उसी की भाभी के द्वारा खिसकाया गया था। इसलिए कहा जाता है कौन करता है खुशामत भाग्य प्रतिकूल होने के बाद, कौन करता है खुशामत भाग्य प्रतिकूल होने के बाद, कौन आता है पास संकट की घड़ी आने के बाद, कौन आता है पास संकट घड़ी आने के बाद। महान भावों यही दुनिया का सिलसिला है, महान भावों यही दुनिया का सिलसिला है। अपने ही पराये हो जाते हैं गरीबी आने के बाद, अपने ही पराये हो जाते हैं गरीबी आने के बाद। हाल खराब हो गए और पैर जल गए, बच्चों ने देख लिया कि हमारी मामी की ये करतूत है, मतलब संकेत स्पष्ट है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुरंत उस चद्दर में ही लपेट करके माँ को उठाया और वह बसंतपुर छोड़ करके भी और आगे चल पड़े। आगे चलते चलते अयोध्या शहर आया। अयोध्या शहर में सेठ जी के परम मित्र थे। सेठ जी ने विचार किया कि आज हमारे कर्म का उदय है, अशुभ कर्म का उदय है, पाप का उदय है, इसलिए अपना सगा साला ही पराया हो गया, सगी बेटी ने ही हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, इस समय हो सकता है मृत्यु बदल जावे। इसलिए अपने बच्चों से और पत्नी से कहा कि तुम सब यहीं रुको और मैं अभी मित्र से मिलके आता हूँ, यदि अनुकूलताएं बैठी तो तुमको बुला लूंगा, नहीं तो मैं लौट के आ जाऊं। सेठ जी चुपचाप अपने मित्र के यहां पर गए, मित्र ने वेलकम किया, कहा वाह भाई वाह, आ गए, तुम्हारा स्वागत है, पर यह क्या हाल है, मेरे रहते हुए तुम्हारी ये हालत, नहीं मैं नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी गरीबी आज मिटा दूंगा, आओ विश्राम करो। उसको फ्रेश कराया, इस तरह मिले जैसे कृष्ण सुदामा से मिले थे, इस तरह दो मित्रों का मिलन हुआ। मित्र सोच रहा है कि आज मेरी सब गरीबी मिट जाएगी, स्नान हो गया, भोजन हो गया, अब सोच रहा है कि मैं बहुत जल्दी अपनी पत्नी को और बच्चों को बुला लूंगा। लेकिन जिस कमरे के अंदर था उसी कमरे में घटना घटी, जहां सेठ जी लेटे थे उनके ठीक सामने ही एक मोर का पिकॉक उसका स्टेचू लगा हुआ था। मोर की मूर्ति थी, सोने की मूर्ति थी, उस सोने की मूर्ति में मोर की चोंच में डायमंड की स्पेशल डायमंड की वहां पर हार लगा हुआ था, हीरों का हार लगा हुआ था। उस सेठ ने हार को देखा कि वाह इसका एक एक दाना भी अरबों रुपए का है और ऐसी माला मोर के गले में है, मोर की चोंच में है, मेरा मित्र कितना अमीर है, लेकिन उससे बड़ा उसका दिल कितना अमीर है कि मुझे गरीब फटे हाल को देखकर भी उसने मेरा उपहास नहीं किया, मुझे प्रेम दिया, सम्मान दिया, जहां सगे काम नहीं आए वहां मेरा मित्र काम में आ गया। महान भाव सेठ जी ने मित्रता निभाई, लेकिन कर्म आड़े आ गया। सेठ जी देखते हैं कि जिस मित्र के यहां वो ठहरे हुए हैं उसका जो मोर का स्टेचू है, जिसमें कोई जान नहीं है, जड़ नहीं है, जिसके अंदर जीव नहीं है, मात्र स्टेचू है, सोने की मूर्ति हिरण की है, जो मोर की मूर्ति है, वह मोर की मूर्ति उसकी चोंच में जो डायमंड का हार लगा हुआ है, अचानक वो हार
उस मोर के अंदर जाने लग गया। मतलब मोर जो बेजान था, बेजुबान था, जो सिर्फ स्टेचू में था, वह भी हार को निगलने लग गया। सेठ जी ने समझ लिया कि अभी थोड़ी देर में ये पूरा का पूरा हार इस मोर के गले में चला, मुंह के अंदर चला जाएगा और मुझे बहुत बड़ी बदनामी मिलेगी, चोरी का लांछन आएगा, मैं लांछन सहन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तुरंत चुपचाप बिना कहे अपने मित्र के यहां से निकल गया और अपने परिवार के साथ अयोध्या को भी छोड़ करके अब वह बढ़ते बढ़ते चंपापुर में गया। और चंपापुर में जाकर के वहां पर एक सेठ ने देखा कि ये अच्छे संभ्रांत परिवार के दिखते हैं, ये गरीब नहीं लगते हैं, अच्छे घरे पूरे भरे पूरे परिवार के संपन्न दिखते हैं, परंतु गरीबी ने आज इनको कंगाल कर दिया है, कर्म के मारे हैं, पाप से हारे हैं और अच्छे परिवार के दिखते हैं। पूछा, आप कौन हैं? बताया कि हम उज्जैन से आ रहे हैं। अपने परिवार का नाम बताया। सेठ जी ने कहा, ठीक है, आप आ जाइए, मेरे यहाँ पर काम कीजिए, जितने भी आप पुरुष वर्ग हैं, आपके सातों बेटे और आप, मेरे साथ मेरे व्यापार में सहयोग कीजिए और आपकी पत्नी और आपकी सातों बहुएं घर में काम करें, जो भी काम घर में बताती है मेरी पत्नी उसे काम करना होगा और उसके बदले में आपको एक चम्मच सरसों का तेल और 100 ग्राम खली आपको रोज मिलेगी, इससे अधिक मैं नहीं दे सकता हूँ। सेठ जी ने कहा, चलो आश्रय तो मिल रहा है, रहने को जगह मिल रही है, इतना ही बहुत है। और सेठ सेठानी अपने सातों बच्चों बहुओं के साथ में काम करने लग गए। देखिए आप, प्रवचन भक्ति भावना का दिन है, जिन शास्त्र में जो त्रिकाल चौबीसी व्रत बताया है, लक्ष्मी प्राप्ति का व्रत बताया है, रुद्रसिंह का व्रत बताया है, वह व्रत मुनिराज ने उस सेठानी को दिया था और सेठानी उस व्रत को लेकर आई थी, लेकिन बच्चों ने बहुओं ने उपहास बढ़ाया कि व्रत तो कंगलों का है, गरीबों का है, भूखे का है, कौन करता है इस व्रत को। इस तरह उपहास बढ़ाने पर, जिन धर्म का अपमान करने पर, जिन वाणी का अपमान करने पर, व्रत को भंग करने कारण से आज ये हालात हो गए कि ना बेटी ने पूछा, ना भाई ने पूछा, मित्र भी सहयोग नहीं कर पाया और आज दूसरे घर में जिसके यहाँ पर सैकड़ों नौकर होते थे, आज वो सेठ दूसरे के यहाँ पर नौकरी कर रहा है और बदले में मात्र मात्र ओनली सिर्फ इतना सा सामान। ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह वह वहां पर नौकरी करता रहा, घर में स्त्रियां काम कर रही हैं, दुकान में सारे आठों पुरुष काम कर रहे हैं और नौकरी करते करते बहुत समय हो गया। एक दिन जो घर की सेठानी थी उसने अपनी प्रमुख नौकरानी से कहा, भाभी आज घर को पूरा साफ करो, साफ सुथरा करो, ये पूरा घर चमका दो, कहीं भी जाले नहीं होना चाहिए, कहीं धूल नहीं होना चाहिए, इसे पूरा साफ करना है। ले क्यों करना है, आज विशेष क्या है? तो सेठानी ने कहा कि कल हमारे जैनों का मुख्य त्योहार आ रहा है, जिसके कारण जैन हमेशा सुखी और संपन्न होते हैं, वह अंतराय के निवारक का व्रत आ रहा है, कल त्रिकाल चौबीसी व्रत आ रहा है, कल त्रिलोक तीज व्रत आ रहा है। इसके इतने सारे नाम है, त्रिकाल चौबीसी व्रत, रोड तीज व्रत, त्रिलोक तीज व्रत, अंतराय निवारक व्रत, लक्ष्मी प्राप्ति व्रत। ये लक्ष्मी की प्राप्ति का व्रत है, आपके अंतराय के निवारक का व्रत है, आपकी समस्याओं के निवारण का व्रत है। आज जो आपके पास फोल्डर आया हुआ है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आया हुआ है, और कल हमारे नितिन भैया ने आपको पढ़कर सुनाया था, ध्यान रखना उसके ऊपर, उसमें इतने पॉइंट लिखे हुए हैं, यदि आपसे कोई व्रत टूट गया हो, भंग हो गया हो, नियम भंग हो गया हो, तो आप जो 21 तारीख को होने वाला विधान है, लक्ष्मी प्राप्ति विधान है, उसमें अवश्य करना। उसमें 75 अर्घ लिखे हुए हैं, लेकिन आप कम से कम 80 अर्घ की तैयारी करें, क्योंकि त्रिकाल चौबीसी के 72 अर्घ, फिर उनके 3 पूर्णार्घ, इस तरह 75 हो जाते हैं, फिर उनकी जयमाला 76 हो जाता है, इसके अलावा भगवान आदिनाथ, जिनवाणी माता, गुरु का प्रोग्रेस 80 अर्घ वहां पर चढ़ाए जाएंगे त्रिकाल चौबीसी के, अंतराय के निवारण के। यदि आपको व्यापार में परेशानी आ रही है, आज तो परेशानी है ही, कोरोना महामारी में घर बैठे व्यक्ति सड़क पर आ जा रहा है, जॉब पर लगे हुए थे, आ गए यहां पर, अब कंपनी से फोन आ गया कि अब जॉब नहीं है,
अब आपके लिए कोई व्यवस्था नहीं है महानुभावों, जिनको महीने के 40,000 मिलते थे आज उनको 5 या 10 हजार रुपए लेकर काम करना पड़ रहा है। अनेक लड़के बेरोजगार हो गए हैं, नौकरी से निकाल दिए गए हैं। तो आप यदि बेरोजगार हो, नौकरी नहीं हो, व्यापार में घाटा लगता हो, आपके द्वारा कोई व्रत नियम भंग हो गया हो, आपने कभी जिन धर्म का अपमान किया हो, तीन सब का प्रायश्चित 21 अगस्त को आने वाला विधान है, त्रिकाल 24 भादो शुक्ला 30 का व्रत आप कर लेना। सेठानी ने बताया, जैसे सेठानी ने कहा कि वह व्रत है, उस व्रत को सुनते ही सेठानी और उसकी बहुओं को ध्यान में आ गया कि हमने भी तो धन के मद में, धन के घमंड में व्रत का अपमान किया था। हमने उस व्रत के माध्यम से व्रत को छोड़ दिया, हमने अपने दिगंबर गुरु का अभिनय किया, हमने जैन धर्म का अभिनय किया, हमने अरहंत परमेष्टि का अभिनय किया, हमने त्रिकाल 24 तीर्थंकर भगवान का अभिनय किया, 72 तीर्थंकरों का अभिनय किया। उसी का हाल है, उसी का यह है कि आज हम जिनके यहाँ पर हजारों लाखों की संपत्ति थी, आज हम कंगाल फटेहाल हो गए हैं, क्योंकि हमने इस धन के मद में कंगाली फटेहाली का हमने उपहास उड़ाया था, हमने रोटी का अभिनय, रोटी का अपमान किया था। वो रोटी आज हमने रोटी के लिए मोहताज हो गए। मान भवो, वो सेठानी सोचती है कि मेरे घर में जो रोट थी, सम्मान था, मैंने उस रोट तीज के व्रत को छोड़ दिया और उसने से रोटी के व्रत को छोड़ने के कारण से आज मेरे क्या हाल हो गए। इसलिए मान भवो, मैंने रोटी पर एक कविता लिखी है, सुने आप ध्यान से। यूं तो सामान्य सी होती है रोटी पर बहुत ही विशेष होती है रोटी। यूं तो सामान्य सी होती है रोटी पर बहुत ही विशेष होती है रोटी। रोटी दिखने में बहुत छोटी होती है, पर काम बहुत बड़े कर देती है रोटी। कैसे? देखिए, किसी को पेट भरने के लिए दौड़ाती है रोटी, और किसी को पचाने के लिए दौड़ाती है रोटी। जैसे वो सेठ, उसके पत्नी, उसके सातों बच्चे, उनकी बहुएं आज रोटी के लिए उज्जैन से हस्तिनापुर, हस्तिनापुर से बसंतपुर, बसंतपुर से अयोध्या, अयोध्या से चंपापुर, दर दर भटक रहे। इसलिए मैंने लिखा, किसी को पेट भरने के लिए दौड़ाती है रोटी और किसी को पचाने के लिए दौड़ाती है रोटी। और कैसी रोटी है? जो गरीब लोग हैं, जो भूखे हैं, तीन तीन चार चार दिन से जिनको खाना नहीं मिला है, इन्हें चक्कर आ रहे हैं, पेट जल रहा है, अंदर से धस रहा है, हाल खराब, और उनके लिए क्या है वो? उनके लिए लिखा मैंने कि भूख की दवाई होती है रोटी, भूख की दवाई होती है रोटी और गरीबों की मिठाई होती है रोटी, सेठ को अहंकार था, उस सेठ ने, सेठानी ने, बच्चों ने अहंकार में रोटी का अपमान किया, तो रोटी ने उनको उनकी औकात दिखा दी। किसी ने लिखा है, अहम का वहम मिटाती है रोटी, इंसान की औकात दिखाती है रोटी, जीवन के संबंध निभाती है रोटी। संबंध खत्म हो जाए तो रोटी बेटी व्यवहार चला जाता है, और प्रेम हो तब संबंध निभते, रोटी संबंध को निभाती है, जीवन के संबंध निभाती है रोटी। बड़ी बड़ी क्रांति कर जाती है रोटी, आपको पता होगा 1857 क्रांति में रोटी और कमल का फूल, ये दो ही क्रांति के चिन्ह थे। एक गांव से पूरा गांव रोटी बनाता था और वे सारी की सारी रोटी भर करके अगले गांव पहुंचाई जाती थी। यदि वो रोटी को स्वीकार करते थे, रोटी ग्रहण कर लेते थे, तो समझ जाता था कि ये क्रांति की मशाल में, क्रांति के संग्राम में ये हमारे साथ तैयार हैं। और वो रोटी खा करके अपने फिर रोटी बनाते थे और दूसरे गांव को पहुंचाते थे। इस तरह रोटी क्रांति का चिन्ह बनी थी, हमने पढ़ा है। इसलिए मैंने लिखा है कि इंसान को औकात दिखाती है रोटी, जीवन के संबंध निभाती है रोटी, बड़ी बड़ी क्रांति कर जाती है रोटी। और देखिए, यदि आपने सुना होगा कि भगवान आदिनाथ ने जब दीक्षा ली, उनके साथ 4,000 राजाओं ने भी दीक्षा ली थी, मुनि बने थे, पर वो मुनि पद से भ्रष्ट क्यों हुए?
क्योंकि उन्हें रोटी नहीं मिली, उन्हें भोजन नहीं मिला, उन्हें आहार नहीं मिला। इसलिए मैंने लिखा है मुनियों से मुनिधर्म पलवाती है रोटी, मुनियों से मुनिधर्म पलवाती है रोटी, श्रावक से दान धर्म करवाती है रोटी। और एक श्रावक भक्ति से एक रोटी मुनिराज को देता है, एक ग्रास देता है, उतने ग्रास में ऐसा पुण्य संचय कर देता है, उसका दान धर्म हो जाता है, उसके अंतराय का निवारण हो जाता है, वो नरक जाने से बच जाता है, दुखों से बच जाता है और संपन्न हो जाता है। लिखा है मुनियों से मुनि धर्म पलवाती है रोटी, श्रावक से दान धर्म करवाती है रोटी, दोनों के षटकर्म कराती है रोटी। मुनिराज रोटी खाते हैं तो अपने षटकर्म का पालन करते हैं, समता स्तुति वंदना प्रतिकूल प्रतिक्रिया ज्ञान काय सर्ग, ये छह कर्तव्य मुनिराज रोटी खाकर ही पालते हैं। उपवास भी करते हैं तो रोटी खाकर ही करते हैं, आजकल आहार लिया था तो आज उपवास कर पाएंगे, एक बार आहार लेंगे तब जाकर एक महीना दो महीना चार महीने छह महीने उपवास कर सकते, साल भर कर सकते हैं। तीर्थंकर भगवान को भी साल भर के बाद नियम से रोटी लेनी ही होगी। इसलिए मैंने लिखा है कि दोनों से षटकर्म कराती है रोटी, आपके षटकर्म रोटी से होते हैं, जीवन का मर्म सिखाती है रोटी, जीवन का मर्म सिखाती है रोटी, व्रत की महिमा दिखाती है रोटी, व्रत की महिमा दिखाती है रोटी, भूले को राह बताती है रोटी, अमेरिका घमंड मिटाती है रोटी, अमेरिका घमंड मिटाती है रोटी, गरीबों का साथ निभाती है रोटी, गरीबों का साथ निभाती है रोटी, और बड़े किस्मत से नसीब होती है रोटी, बड़े किस्मत से नसीब होती है रोटी, सच्चे मन के करीब होती है रोटी, सच्चे मन के करीब होती है रोटी। महान भाव उस सेठानी ने सोच लिया कि हमने वो व्रत छोड़ा था, व्रत को तोड़ा था, अब आज मौका मिला है, अवसर मिल गया, अवश्य भी हम कल रोटी का व्रत करेंगे। सेठानी अपनी बहुओं के साथ भिड़ गई और पूरे घर को कोने कोने को पूरा साफ कर दिया, धो दिया, साफ कर दिया। शाम को पति लौट कर आए, बच्चे लौट कर उनसे कहा कि कल रोटी व्रत है, देखो मैं व्रत लेकर आई थी और आप सबने उस व्रत का उपहास बढ़ाया था और आपकी हंसी में मैंने व्रत को छोड़ दिया था, उस कारण से हम सब कंगाल हुए हैं, इसलिए कल हम सबको व्रत करना है। सेठानी ने, उसकी बहुओं ने, उसके बच्चों ने, उसके पति ने, सबने रोट तीज का व्रत किया, त्रिकाल चौबीसी का व्रत लिया। अगले दिन जब घर में रोट बने तो रोट बनने पर सेठानी ने अपने उनकी सातों बहुओं को रोट दिए और छोटी बहू चुपचाप रोट करके मंदिर में गई और मंदिर में जाकर के उसने वह रोट अर्पण किया है, प्रभु हमारे यहां तो सोने के रोट चढ़ाने की ताकत थी पर आज हमारे कर्म का उदय है इसलिए हम यही रोट चढ़ा रहे हैं। मेरे मन में बहुत भावना थी कि मैं आपको सोने का रोट चढ़ाऊं लेकिन जब मेरे पास सोना था तब मेरे मन में नहीं आया, आज ये रोट है मैं इसी को सोने का बना करके आपको चढ़ाती हूँ। ये भावना चढ़ा करके कायसर करके रो करके चली गई कि हे प्रभु मेरे परिवार के द्वारा मेरे द्वारा जो त्रिकाल चौबीसी का विनय हुआ है, मेरे द्वारा जो जिनवाणी का विनय हुआ है, प्रवचन का मेरे द्वारा विनय हुआ है, गुरुदेव का विनय हुआ है, धर्म का विनय हुआ है, मैं सबका प्रायश्चित करती हूँ, प्रायश्चित रूप ये रोट अर्पण करती हूँ। कायसर किया और चली गई। जैसे ही वो गई उसकी अंतरंग की भावना भक्ति थी इसलिए उसकी भावना भक्ति से तुरंत वह रोट सोने का रोट बन गया, आटे का रोट था सोने का बन गया। और यहां जब सारा काम निपट गया तब सेठानी ने जो अपनी बड़ी नौकरानी थी जिसको भाभी कहती थी, उस सेठानी ने अपनी भाभी से कहा, मुंह बोली भाभी से कहा, भाभी आज रोट तीज है और धर्म होता है रोट तीज का कि पहले रोट भगवान को चढ़ाया जाता है, गुरु को आहार में दिया जाता है, उसके पश्चात घर में जितने भी गरीब हैं नौकर चाकर हैं उनको रोट दिया जाता है, उसके बाद स्वयं खाया जाता है, तो अब तुम्हारे हिस्से का रोट रखा। और सेठानी ने मनी मन संकल्प किया कि ये रोट आज मेरा तो उपवास है, मैं उपवास करूंगी और ये रोट मैं भगवान को चढ़ाऊंगी। ये भावना मन में लेकर के उसने रोट को हाथ में लिया। जैसे ही रोट को हाथ में लिया लेते ही उसके हाथ में हाथे के साथ में सोने का बन गया। अब सेठानी को उन्होंने लालच आया
उसने कहा भाभी वो गलती से वहां सोने का रोट भी था और आटे का रोट भी था और आपको सोने का दे दिया है, ये तो मेरा है, ये मुझे दे दो और तुम आटे का ले जाओ। जैसे ही नौकरानी ने, उज्जैन वाली सेठानी ने वह रोट अपनी सेठानी के हाथ में दिया, उसके हाथ में जाते ही वो आटे का रोट बन गया। सेठानी को अरे इसके पुण्य का उदय आ गया है, लज्जित से होकर उसने वो रोटी वापस उसको दे दी। जैसे ही सेठानी के हाथ में रोट आया, नौकरानी के हाथ में आया, वो आते ही सोने का बन गया। बोले अब तुम्हारे पुण्य का उदय आ गया है, जाओ तुम्हारी किस्मत का है, तुम ले जाओ। और सेठानी ने जाकर के वह रोट भी भगवान को चढ़ा दिया कि प्रभु जो हमने उस समय उज्जैन शहर में धन के घमंड में व्रत का अभिनय किया था, व्रत को भंग किया था, व्रत को तोड़ा था, उसका प्रायश्चित करते हैं, रोट चढ़ा दिया। महानुभावों आप भी जग जाइए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज कर्म का उदय है, आप जिन मंदिर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, यदि आपकी शक्ति हो तो आप कम से कम घर पर रहते हुए भी, आप यदि शक्ति हो तो आप अगले 21 तारीख को शुक्रवार के दिन ये रोड तीव्र आ रहा है, भादव शुक्ला दूज को आचार्य श्याम सागर जी की पुण्यतिथि आएगी और भादव शुक्ला तीज को रोड तीज होगी। इसलिए आप सबसे आह्वान है, यदि आपकी शक्ति हो, यदि आपको अपने अंतराय कर्म का निवारण करना हो, यदि आपके द्वारा कोई व्रत भंग हुआ हो, नियम टूट गया हो, कभी आपके द्वारा देवशास्त्र को अभिनय हुआ हो, कभी आपकी व्यापार में परेशानी आ रही हो, नौकरी की समस्या आ रही हो, घर में पैसा नहीं रुकता हो, जो भी अंतराय कर्म की आपकी बाधाएं हैं उनको दूर करना है तो किसी मंत्र तंत्र ज्योतिष पंडित मिथ्यात्व में जाने की आवश्यकता नहीं है। एकमात्र आप जो है जिन भक्ति कीजिए, भादव शुक्ला तीज को धर्म तीर्थ क्षेत्र पर मेरे सानिध्य में, संघ के सानिध्य में यहाँ पर त्रिकाल चौबीसी का लक्ष्य प्राप्ति का विधान किया जाएगा। सवेरे ठीक 7 बजे से अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। भगवान का आप 6:30 से तैयार रहें, शुद्ध वस्त्र पहन करके तैयार रहें और भगवान के समक्ष स्पेशल महामस्तक अभिषेक आदिनाथ किया जाएगा और महाशांतरा होगी। उसके पश्चात भगवान की त्रिकाल चौबीसी के 72 समुष्करण के रूप में 72 विशेष द्रव्य चढ़ाए जाएंगे, अर्घ के साथ चढ़ाए जाएंगे, तो वो कुल 80 अर्घ चढ़ाए जाएंगे। अब बस बैनर आ चुका है, अभी से ही नितिन भैया को आप संपर्क करके, पारस भाड़े को, मिंटी को संपर्क करके अपना अपना नाम आप आरक्षित करा लेवे, जिससे आपके नाम से हर एक परिवार को द्वारा अर्घ चढ़ाया जाएगा। और सौदा मित्र हमारे सुमित जी, हमारे सुमित जी जैन, अमित जैन परिवार हैदराबाद से, पूरा परिवार, उनके तीनों भाई, माता से लोग वहां पर रहेंगे और उस दिन का दीप प्रज्वलन अमित भैया ही करेंगे, या विशेष ध्यान देवे तो उनके द्वारा संपन्न होगा। आप अपने द्वारा भगवान का अंतराय निवारक भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, महाशांतरा कर सकते हैं, उस दिन अपनी ओर से आप अर्घ चढ़ा सकते हैं और उस दिन यदि आपसे बने तो आप उपवास कर लेवे, नहीं बने तो आप एकाशन कर लेवे, घर में आटे का रोट बनावे और रोट बना करके आप उसे भगवान के समक्ष भी चढ़ावे, नहीं चढ़ेगा तो हम यहाँ चढ़वा देंगे आपकी ओर से, और अपने घर के अंदर में आप रोट बनाकर ग्रहण करें। रोट के साथ में या तो आप चावल की खीर खा सकते हैं या फिर आप उसके साथ गुड़ भी खा सकते हैं या फिर उसके साथ में आप तोरे गिलकी की सब्जी लेकर भी आप खा सकते हैं, जो सब्जी बिना नमक की होनी चाहिए, रोट भी बिना नमक का होना चाहिए। एक बार ध्यान देवे कि रोट कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, अखंड होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान। आपसे कहना चाहूंगा हर एक क्षण मूल्यवान है, सफल बना लो, हर एक क्षण मूल्यवान है, सफल बना लो। जो गया सो गया, अब भी ध्यान लगा लो, जो गया सो गया अब भी ध्यान लगा लो, इस भव में ही मिल जाएगी दुखों से मुक्ति, इस भव में ही मिल जाएगी दुखों से मुक्ति। सिर्फ एक दिन का रोटती व्रत अपना लो, सिर्फ एक दिन का रोटती व्रत अपना लो, तो आप व्रत करने के लिए तैयार रहें। सेठानी ने व्रत किया, सेठ ने व्रत किया, बच्चों ने व्रत किया, बहू ने व्रत किया, तो शाम को जब सेठ जी घर पर आए, राम दत्त जी आए, उन्होंने, सागर दत्त ने, सागर दत्त बैठे तो उस घर की सेठानी सागर दत्ता ने कहा कि मैंने जिसको भाई कहा है और जिन्हें भाभी कहा है उनके साथ में आज ऐसी ऐसी घटना घटी है कि उनकी बहू आज मंदिर में रोट चढ़ाने गई तो वहां जाकर के सोने का रोट बन गया और आज पूरे शहर में वाह वाह हो रही है, और मैंने भाभी को आटे का रोट दिया था पर उनके हाथ में जाते ही वो सोने का रोट बन गया, मैंने वापस ले लिया लालच में, तो मेरे पास में आकर वो आटे का रोट बन गया,
मेरा ऐसा अनुमान है कि अब इनके पुण्य का उदय आ गया है, इसलिए मैंने लिखा है महान भावों कि सच्चे बड़ी किस्मत से नसीब होती है रोटी, बड़ी किस्मत से नसीब होती है रोटी, सच्चे मन के करीब होती है रोटी, धर्म की राह बताती है रोटी, धर्म की राह बताती है रोटी, और दुनिया में वाह वाह कराती है रोटी, दुनिया में वाह वाह कराती है रोटी। उस रोटी ने सेठ सेठानी को, उसकी बहुओं को, उनके बच्चों को धर्म की राह बतला दी, उन्होंने एक रोटी का व्रत पारण किया, इसलिए तुरंत पुण्य उदय में आए और सेठ ने कहा कि भाई अब तुम्हारे पुण्य उदय आ चुके हैं, इसलिए लो मेरे से थोड़ा सा सहयोग लो, मैं तुमको कुछ संपत्ति सहयोग में देता हूं, तुम अपना व्यापार अलग से करो, अब तुम मेरे यहाँ नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। ये सेठ जी कह ही रहे थे, इतने में एक दूत आया और कहा, सेठ जी मैं कब से आपको ढूंढ रहा हूँ, आपके जो जहाज विदेश में अटक गए थे वो सबके सब मिल गए हैं और वो आ रहे हैं। तुरंत जैसे ही व्रत का पालन किया, वहां से तुरंत अंतराय के ब्रेक हट गए, अंतराय मतलब विघ्न, विघ्न हट गया और वे अपने उस मालिक के यहाँ जिसने आश्रय दिया था, सम्मान दिया था, उसको धन्यवाद देते हुए वापस लौट पड़े। लौटते समय उनको वापस सबसे पहले अयोध्या आई, अयोध्या में गए तो मित्र ने पहले के समान स्वागत किया, आओ मित्र तुम कहाँ चले गए थे, बिना बोले चले गए, बताया भी नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करता। और नौकर तैयार थे, अलर्ट थे कि अब देखते हैं सेठ जी, पिछले बार तो हीरो को हार चुरा कर लेकर गए थे, अब देखते हैं वो क्या चुरा कर लेकर जाते हैं, बताया तुमको पकड़ेंगे। और सेठ और उनके मित्र दोनों बातें कर रहे थे, उसी कमरे में बैठकर बात कर रहे थे जहां पर वो सोने का मोर था, और उनकी बात करते करते जो सोने का मोर था उसने सेठ जी के सामने ही अपनी चोंच से हीरे का हार बाहर उगलना शुरू कर दिया। सेठ ने मित्र को बताया कि देखो भाई, जब मेरे पाप कर्म का उदय था, जब मेरे अशुभ कर्म का उदय था, पाप कर्म का उदय था, तब तो मेरे सामने इस मोर ने हार को निगल लिया था, और आज मेरे पुण्य कर्म का उदय आया तो देखो तुम्हारे सामने ये हार, स्वयं मोर हार को निगल रहा है, मैंने चोरी नहीं की, सामने देखो। नौकर भी समझ गए, उन्हें सेठ स्वामी के, सेठ जी क्षमा कीजिए, हमने आप पर चोरी का लांछन लगाया। इसलिए महान भावो, इसलिए कहा जाता है कि बादशाह तो वक्त होता है, बादशाह तो वक्त होता है, खामखा इंसान गुरूर करता है, खामखा इंसान में गुरूर होता है, वक्त बादशाह होता है। जब वक्त अच्छा था तो बहुत संपदा थी, वक्त बुरा आया दर दर के भिखारी बन गए, खाने के लाले पड़ गए, चोरी का लांछन आया और पुण्य कर्म का उदय आया तो आज वही वापस चोरी का लांछन मिट गया। इसलिए कभी कोई किसी के ऊपर चरित्र पर लांछन लगाता है, चोरी का लांछन लगाता है, यदि वो बेदाग है तो निश्चिंत रहे, सोचे कि मैंने किसी पर लांछन लगाया था, मेरे अशुभ कर्म का उदय है, इसलिए आज मुझ पर लांछन आया है, मैं समता रखूं, मैं गलत काम ना करूं, तो गलत समझे समझे कोई मतलब। महान भवो, सेठ जी मित्र के यहाँ सम्मान पा करके वापस लौटे, भाई के यहाँ पर गए, वसंतपुर में आए, और जैसे ही पता चला भाई को कि हमारी बहन, बहनों ही आए हुए हैं, रथ में आए हुए हैं, तो साला और उसकी पत्नी बैंड बाजों के साथ सम्मान करने के लिए पहुंचे, स्वागत करने पहुंचे। सेठानी ने कहा कि भाभी उस दिन तुमने मेरे पैर जला दिए थे। भाभी ने कहा, बहन लज्जित मत करो, मेरे अशुभ कर्म के उदय से आप प्रति खोटी भावना आई थी, मुझे क्षमा करो। वे क्षमा करके चले गए और महान भावों फिर घूमते घूमते वापस बसंतपुर से हस्तिनापुर में आए, जहां उनकी बेटी थी। बेटी को पता चला कि हमारे पिताजी, हमारी माँ, हमारे भाई भाभी बहुत बड़े रथ में, बैलगाड़ियों में सामान लेकर के आ रहे हैं, तो बेटी भी उसी स्थान पर जहां वो थाली गाड़ी गई थी, जहां मिले थे, उस स्थान पर सम्मान के साथ पहुंची, बैंड बाजों के साथ पहुंची, कहा पिताजी घर चलिए, माँ घर चलिए, भैया घर चलिए। भाइयों ने कहा, पिता ने कहा, बेटी जो हमारे अशुभ कर्म का उदय था तब तूने पूछा भी नहीं, सामने मिलने भी नहीं आई और कोई सहायता भी नहीं की, कुछ खाने को भी नहीं दिया। बेटी ने कहा, पिताश्री मैं नहीं आई, मैं क्षमा मांगती हूं, परंतु मैंने सहयोग नहीं किया, ऐसा नहीं है, मैंने आपको पूरा 16 प्राणियों के लिए खाने को भोजन भेजा था। बच्चों ने कहा कि भोजन सड़ा, कीड़े लगे, कृमि लगे? बोले नहीं, मैंने एकदम अच्छा भोजन भेजा था,
और साथ में उसमें आपकी गरीबी दूर करने के लिए मैंने 5 कोहिनूर हीरे उसके अंदर रखे थे। बोले कहाँ कोयला था? बोले तो नहीं, मैंने हीरे भेजे थे। अब दोनों वहीं पर हैं, उसी पॉइंट पर बच्चों ने खोदा, थाली निकाली तो देखते हैं कि भोजन तो नहीं रहा, लेकिन उस थाली के अंदर में 5 हीरे चमक रहे हैं, कोहिनूर हीरे चमक रहे हैं। महाभव, इस तरह एक व्रत ने उन 16 प्राणियों को वापस कंगाल से मालामाल कर दिया, व्रत का विनय किया। तो जो धनी थे, धनवान थे, मालामाल कंगाल हो गए, और जब उसी व्रत का पालन किया तो कंगाली से मालामाल हो गए। उस व्रत के पालन से वे प्राणी आगे जाकर के, वह जो पुरुष थे वो सभी आगे जाकर के मुनि बने और कर्म काट कर मोक्ष गए, और जितनी वो स्त्रियां थी उन्हें भी सबने व्रत पालन किया और आगे जाकर आरिका बनी, उसी दिन का चिन्ह करके देव पर्याय को प्राप्त हुई। ये रोटती व्रत की महिमा होती है। जो आ रहा है प्रवचन भक्ति भावना का विषय आज का हमारा चल रहा है, उन प्राणियों ने जिनवाणी का प्रवचन मतलब जिनवाणी का विनय किया, उन्होंने गुरु का विनय किया, उन्होंने त्रिकाल चौबीसी का विनय किया, इस कारण से ही उनकी गरीबी आई। इसलिए प्रवचन भक्ति भावना कहती है हम कभी जिनवाणी एक शब्द भी उसका विनय ना करें, जिनवाणी के ऊपर कभी, अपनी जिनवाणी के ऊपर कभी हम दूसरी चीजें न रखें, उसका विनय करें, उसका सम्मान करें। और जो व्रत हैं उनका दृढ़ता से नियम से पालन करें। इसलिए आप सबके लिए, संपूर्ण विश्व से, संपूर्ण मानव मात्र के अंतराय का निवारण हो, इस हेतु धर्म तीर्थ क्षेत्र पर आगामी 21 तारीख को, 21 अगस्त को, अगले शुक्रवार को यह त्रिकाल चौबीसी का व्रत किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, और जिन जिन ने किया है, अभी हमारे बड़ोस से काफी लोग व्रत को देख रहे हैं, कथा को सुन रहे हैं, औरंगाबाद से आप सुन रहे हैं, दिल्ली से आप सुन रहे हैं, और जहां जहां पर यह व्रत हुआ है, दिल्ली राधेपुरी के अंदर में इस तरह का व्रत विधान हुआ था कि उनके मंदिर में पैर रखने को जगह नहीं थी। बड़ौद में भी काफी लोगों ने व्रत किया है, डॉक्टर विभा जी ने यहाँ पर भी सुन रही होंगी, उनके जीवन का अनुभव रहा है कि जब वो हम लोग बड़ौद गए थे तो उसके पहले बहुत परेशानी उनको थी, उन्होंने पढ़ाई कर ली पर उनकी पीएचडी नहीं हो रही थी, नौकरी उनकी नहीं लग रही थी। उन्होंने 2011 में हमारे साथ वहां पर त्रिकाल चौबीसी का रोड तीज का व्रत किया, और व्रत करते के साथ में पहले साल में उनकी पीएचडी हो गई और दूसरे साल में उनकी नौकरी लग गई। तब नौकरी लगने पर डॉक्टर विभा जैन ने एक छोटी सी सोने की रोट लाकर के चैतपले में अर्पण की कि उनके अनुभव जीवन का अनुभव है। ऐसे काफी लोगों ने अनुभव किया हुआ है अंतराय के निवारण का। जिसने भी रोट तीज व्रत का अनुभव किया है, सभी अपने अपने अनुभव इसके माध्यम से चैट पर आप शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे को बतला सकते हैं। और आप सभी अपने अंतराय के निवारण के लिए मैं संपूर्ण समाज से आह्वान करूंगा। आज लगभग 150 डिवाइस इस विधान को, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप सभी लोग जो 21 तारीख का व्रत है आप व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, नहीं बने एकाशन कीजिए, नहीं बने दो बार भोजन कीजिए, पर शुद्ध भोजन कीजिए, पर उस विधान में आप शामिल होइए, अपने ओर से रोट चढ़ा करके आप धर्म का विनय करें, अपने अंतराय का निवारण करें, आपके सभी के दुख संकट पीड़ाएं बाधाएं दूर हो, अंतराय का निवारण हो, समस्याओं का परिहार हो, आप उन्नति को प्राप्त करें, ये आप सबके लिए आशीर्वाद है। कल 17 अगस्त कल हम समझेंगे समय की विजय। कल का हमारा टाइटल है समय की विजय, क्योंकि कल का विषय है आवश्यक परिहानी भावना का दिन है। इसलिए समय की विजय मैं आपसे बात करूंगा कि समय पर विजय हम कैसे प्राप्त करें, उसी पर मैं आपसे बात करूंगा। आप सभी 9 बजे तैयार रहें, और आज दोपहर में 4:15 बजे मुख्य शास्त्र पर विशेष क्लास रहेगी, आप उसका भी लाभ लेवें। कल 15 अगस्त आपने मनाया, आचार्य श्री देवनंद जी का जन्मोत्सव आपने मनाया, वो सबकी आपको पुनः एक बार बधाइयां, और जिनका भी आज जन्मदिन है हमारी उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आशीर्वाद। आज का जो महामृत्युंजय विधान हुआ है, हमारे परम भक्त श्रीमती रजनी जैन अरुण जैन परिवार शंकर नगर दिल्ली से उन्होंने आज दीप प्रज्वलन किया है, उनके द्वारा ही आज का महामृत्युंजय विधान यहाँ पर संपन्न हुआ है। इसके अलावा जो श्रावक परिवार है पुणे से, उनके द्वारा आज की शांतारा हुई है। रजनी जी हमारे परम भक्त हैं, अरुण जी हमारे अनन्य भक्त हैं, उनका पूरा परिवार बहुत भक्त है। अभी हमारा चतुर्मास धर्म तीर्थ पर चल रहा है, तो रजनी जी ने स्वयं आगे होकर के कहा कि गुरुदेव जंगल में आप लोग हैं, वहां पर किस प्रकार से व्यवस्था हो रही है, कैसी व्यवस्था हो रही है? मैंने कहा जंगल है, सब लॉकडाउन है, कंप्लीट सब श्रावक का आना बंद है। तो अरुण जी वो वहां पर थे, उन्होंने कहा गुरुदेव आप चतुर्मास कर रहे हैं, मैं अपनी शक्ति अनुसार उस चतुर्मास में अवश्य सहयोग करूंगा, मेरी ओर से सहयोग विशेष है। तो चतुर्मास के पुण्यर्धक आप हैं, हमारे संपत्ति हैं, बहुत अच्छी भक्ति संपूर्ण परिवार की है। मैं अरुण जी को पूरा पूरा आशीर्वाद देता हूँ। इसी प्रकार से आज जो विशेष आहार दान में
प्रीत विहार से श्रीमती संतोष जैन राकेश जैन लोटस राजहंस वाले उनके द्वारा भी हार दान है, और औरंगाबाद हटको से सविता प्रवीण साहू जी उनके द्वारा हार दान की व्यवस्था चल रही है। इसी से उस परिवारों ने आज का उनके द्वारा हार दान हो रहा है। आज का संपूर्ण विधान किया गया है, गोग्रास दिया जा रहा है, हवन किया जा रहा है, उन सभी परिवारों को वार्षिक श्रद्धा कराने वाले सभी के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। आज रविवार है, संडे है, इसलिए हर रविवार पर आने वाले हमारे परम भक्त श्री मुकेश जैन, सो संपदा जैन, लक्ष्मी जैन परिवार, उनके द्वारा भी हर रविवार श्रद्धा हो रही है, और नितिन जी नखाते के द्वारा हर शनिवार को श्रद्धा होती है। इन सभी परिवारों के लिए मेरा बहुत सारा आशीर्वाद। अहिंसा में सनातन जैन धर्म की जय। जय बोलो आचार्य गुप्तिनंदी गुरुदेव की जय, समस्त संघ की जय। धर्मस्नेही महानुभाव, आप जान रहे थे रोड टीच व्रत का महत्व। 16 तारीख को आज ये विशेष प्रवचन आचार्य श्री ने आप सबके लिए रखा। मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूँ, जिनको जैसी ही शक्ति बनती है उस हिसाब से रोड टीच का यह व्रत आप सभी लोग संपन्न कराए, और नहीं तो आप पुण्यार्जन कर सकते घर में बैठकर। धर्म तीर्थ पर यह रोड टीच का व्रत बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके लिए सौधर्म इंद्र ऑलरेडी ही जिन्होंने अपनी स्वीकृति दी है, उसके साथ साथ अभिषेक शांति धारा यह संपूर्ण विधान, और उसके पश्चात आहार दान गोग्रास दान, यह सभी आप इसमें सम्मिलित होकर यह सभी कर सकते हैं। शांति धारा के लिए 2174 रुपए की राशि उस दिन के लिए है, और अर्घ की राशि 501 रुपए की है। आप सभी लोग उसमें अपनी अनुमति प्रदान कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, फोन पे भी बता सकते हैं। 23 तारीख से पर्युषण महापर्व शुरू हो रहा है, उसके लिए संपूर्ण दिन भरे का कार्यक्रम यहाँ पर रहेगा। आज रविवार है इसीलिए मैं आपका थोड़ा सा समय ज्यादा लूंगा, क्योंकि अगले रविवार से यह पर्युषण महापर्व शुरू हो रहा है, जिसमें सुबह 6 बजे से लेके 6:30 बजे से लेके तो रात को 9:30 बजे तक के कार्यक्रम यहाँ पर तय हुए हैं। सुबह ध्यान रहेगा, उसके पश्चात अभिषेक रहेगा, उसके पश्चात पूजन रहेगा, विधान रहेगा, दोपहर में प्रवचन रहेगा, शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। प्रवचन रहेगा दोपहर में भी कार्यक्रम की व्यवस्था है, और शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। हर एक शहर से, हर एक मंडल, हर एक संस्थाएं एक बहुत अच्छा सा कार्यक्रम आचार्य भगवान के इस संपूर्ण परिषण पर्व के इसमें हम सभी लोग देने वाले हैं। उसके लिए आप सभी लोग जुड़े रहिएगा। एक फॉर्म हमने बनाया है, वो फॉर्म आप भर के दे दीजिएगा, ताकि हम लोग ये जान सकते हैं कि कितने लोग यहाँ पर इस परिषण पर्व के शिविर में आप एज अ साधक एक भक्त करके उसमें जुड़ सकते हैं। उस आशय से आप सभी लोग वो फॉर्म भर के दीजिएगा। आज भी वो फॉर्म हम लोग फ्लैश करेंगे। उस फॉर्म को आपको सिर्फ गूगल के इसमें सिर्फ 5 चीजें हैं, आपका नाम, मोबाइल नंबर, पता, कौन से गांव से रह रहे हैं, और पुरुष या स्त्री, इतना सिर्फ आपको फिलअप करने का है। वो डाटा हमारे पास में आएगा, उस हिसाब से हम व्यवस्था बनाएंगे। तो आपको करना यह है कि ये परिषद में बनने का है। परिषण पर्व के 10 दिन के 10 सौधर्म इंद्र बनने वाले थे, जिसमें से कल श्री संजय जी खवड़े परिवार देउलगांव राजा धर्मानुरागी समाज से भी आपने अपनी अनुमति प्रदान की है, और यह पुण्य प्राप्त किया है कि सौधर्म इंद्र के 10 दिन में से एक दिन के सौधर्म इंद्र आपने बनने का यह बहुमान प्राप्त किया है। आपके संपूर्ण परिवार का मैं बहुत बहुत सहृदय धन्यवाद देता हूँ, और जिन किसी महानुभाव को परिषण पर्व में सौधर्म इंद्र भरकर यह पूजन ये करने का है, उसकी राशि एक दिन की राशि 11,000 रुपए की है। जिन किसी महानुभाव को सौधर्म इंद्र बनने का है वो अपना नाम दे सकता है, सिर्फ 2 या 3 नाम बके हैं। जिन किसी को करने का है आज अपना नाम देकर अपना स्थान पक्का करिए, और मैं चलता हूँ इस प्रवचन श्रृंखला के महत्वपूर्ण कार्य के लिए, जिनमें बहुत लोग बड़ी लगन से रोज प्रश्न मंच के जो प्रश्नावली के उत्तर देते हैं, और उस प्रश्नावली के उत्तर देने के पश्चात हमारे पारस भैया, वत्सल भैया, धीरज भैया मिलकर उनका संपूर्ण ये करके उनके जिनने जिनने 100% प्रश्न के उत्तर दिए हैं उनका एक लकी ड्रॉ निकलता है। रोज इसकी संख्या बढ़ते जा रही है। आज 58 लोगों ने अपने प्रश्न के उत्तर पूर्ण दिए हैं। तो मैं चलता हूँ पारस भैया के पास में। वो चीट कहाँ से निकलेगी गुरुदेव? आचार्य श्री, आपके यहाँ से चिट निकालनी है या हम निकाले? परस भी आपके पास से निकली है। 57 हाँ
ठीक है ठीक है जी। यह बख्शीश आज के बख्शीश के पुण्यार्चक है श्रीमान संतोष जी जैन पिंडारी एवं परिवार। आपने इस बख्शीश का आज का पुण्यार्जन प्राप्त किया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह पांचवें नंबर की जो हम लोग जो चीट निकालते हैं, पांचवा चौथा तीसरा दूसरा पहला इस हिसाब से रहता है। इस प्रश्न मंच का पहला पांचवा पुरस्कार निकला है 13 नंबर। 13 नंबर की जो व्यक्ति है उनका नाम है रंजना जी जैन बीड से, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी निकल रहे हैं वहां पे चौथे नंबर की चीट 33 नंबर 33 नंबर के जो पुण्यार्जक है उनका नाम है नितिन जी लोहाड़े औरंगाबाद से। नितिन जी लोहाड़े औरंगाबाद से, वत्सल भैया आप है तो टाइप करिए ताकि वो नाम अपने पास में रहे। पंद्रह नंबर बबीता जी प्रभात जी जैन रोहतक से, गुरुदेव के परम भक्त और बहुत मतलब स्वाध्याय वाली महिला। दस नंबर जिनका नंबर आया है दूसरा, वो 10 नंबर पे है, उनका नाम है श्रुति जी पोरवाल बीड। वाह वाह बहुत बढ़िया, आपका नसीब बहुत अच्छा है श्रुति जी, बार बार आपका नंबर निकलता है और बाकी बिचारे राह देखते रहते हैं। और प्रथम क्रमांक निकला है 54 54 54, 5 और 4 अगर मिलाते हैं 9 नंबर होता है। और उनका पुनर्जन्म मिला है श्रमक शशिकांत जी पोरवाल बीड से, ये भी पोरवाल फैमिली में गए, श्रमन शशिकांत जी पोरवाल ये भी पोरवाल परिवार बीड को गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ पर देता हूँ, जो भी महानुभाव इन सभी ये प्रायोजन के लिए जिन्होंने आज शांति धारा संपन्न कराई, जिन्होंने जिन्होंने जो आज सौधर्म इंद्र थे, जो आज श्रावक सृष्टि बनकर जिन्होंने आज बहुत अच्छी दीप प्रज्वलन संपन्न कराया, संपूर्ण परिवार वहां पर बैठा है, ऐसा श्री अरविंद जी, श्रीमान श्री रजनी जी, श्रीमती रजनी जी एवं उनका संपूर्ण परिवार, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप श्री अरुण जी जैन, श्रीमती श्री रजनी जी जैन, श्री पारद जी जैन उनकी धर्मपत्नी सीनू जी जैन, श्री गौरव जी जैन उनकी धर्मपत्नी स्वाति जी जैन, कुमारी श्रीमती दीपशिखा जी जैन उनकी बच्ची सृष्टि जैन, आप सभी ने बहुत अच्छे से, और एक सुंदर सा बालक वो भी इस संपूर्ण दीप प्रज्वलन में शामिल था, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जिन्होंने शांति धारा संपन्न किया, जिन्होंने आहार दान में योगदान दिया, जिन्होंने गोग्रास में योगदान दिया, उन सभी का धर्मतीर्थ विकास समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और परस भैया चलते हैं आरती के लिए, रजनी जी जैन एवं परिवार वहां पर उपस्थित है, अरुण जी जैन अपने संपूर्ण परिवार के साथ में हम लोग चलते हैं दिल्ली। तेरे द्वार करें हम आरतियाँ, गुप्ति गुरुवर तेरी करें हम आरतियाँ, गुप्ति गुरुवर तेरी हाथों में लेके दीपों का थाल, आया गुरुवर मैं तेरे द्वार करें हम आरतियाँ,
मुक्ति गुरुवर तेरी। मन हरी मूरतियाँ गुप्ति गुरुवर तेरी। समता का संदेश न्यारा, आरती करें हम, दे दो अपनी शरण का सहारा। ढोलक ले झांझर ले, गाएं हम आरतियां गुप्ति गुरुवर तेरे। मन हरी मूरतियाँ गुप्ति गुरुवर तेरी। बहुत सुंदर आरती संपन्न हुई है। मिलाए सजा कर, कर रहे हैं जय जय गुप्ति गुरुवर के बाजे बजा कर। रत्नों के दीपक ले, गाए हम आरतियाँ गुप्ति गुरुवर तेरी। मन हरी मूरतियाँ गुप्ति गुरुवर तेरी। ज्योति से कर दो उजाला, ज्ञान की किरण से चमके ये चंद्र गुप्त तुम्हारा। राजवरुण शिवपुर का, गाएं हम आरतियाँ गुप्त गुरुवर तेरी। मन हरी मूरतियाँ गुप्ति गुरुवर तेरी। मन हरी मूरतियाँ गुप्ति गुरुवर तेरी। गाए हम आरतियाँ गुप्ति गुरुवर तेरी। मन हरी मूरतियाँ गुप्ति गुरुवर तेरी। नितिन जी, बहुत सुंदर आरती संपन्न हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य भगवान के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए, संघ को नमोस्तु वंदामी इच्छामि करते हुए, आप सभी को जय जिनेन्द्र करते हुए, मैं गुरुदेव के आदेश से यह सभा समापन करने की अनुमति चाहता हूँ। और गुरुदेव आपका सभी को मेरी ओर से नियम है कि आप सभी जो कथा आपने सुनी है, ये कथा YouTube पर रहेगी, 12 लिंक सबको भेज देवे। और आप सभी, अभी हमारे पास 6-7 दिन का समय है,
इसमें आप अपने जितने भी संबंधी हैं उनको मैसेज करते हुए आप सभी को विधान से जोड़ें, जिससे आप सभी के अंतराय का निवारण हो। मैं चाहता हूं कि संपूर्ण जैन समाज अपने अंतराय के निवारण के लिए जो वीतराग जिनेन्द्र भगवान त्रिकाल चौबीसी है उनके विधान में आप शामिल होइए और विधान करके पुण्य का संचय करें, अपने अंतराय का निवारण करें। सबको आप प्रेरणा दीजिए और सबको विधान में जोड़ दीजिए। यही मेरी ओर से आपको आज का नियम है। आपको 5-6 दिनों में पूरे परिवार समाज को इस विधान के अंदर जोड़ देना है। सभी के लिए मेरा आशीर्वाद। बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव, नागपुर जैन समाज को इस रोड टीच के विधान का बहुत अच्छा अनुभव है, औरंगाबाद को भी है, बड़ौद को भी है और दिल्ली वालों को भी है। आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि इस विधान में आप संपूर्ण तन मन धन के साथ में इसमें शामिल होवे और अपने पुण्य का अपने भाग्य को खिलाए। इसी भावनाओं के साथ में आज की प्रवचन श्रृंखला का समापन मैं यहाँ पर करता हूँ और आप सभी को सभी के माइक में खोल दे रहा हूँ, विदा करता हूँ। सबके माइक अनम्यूट करा के गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। जय जिनेन्द्र सगळ्यांना, जय दीपांजी।